नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, SBI की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाला गया हुआ है, और ये जो है आपका टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो देखिए, आप लोग ऑफिसियल वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग जाना है इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन इसका आपको कंप्लीट मिल जाएगा जो आपका ये निकाला गया हुआ है। तो इसमें देखिए, आप लोग ये वाला पोर्शन में देखना जो आपका दिया हुआ है, इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर इन SBI, आप लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर में आप लोग करना, उसके बाद आपको ये ओपन हो जाएगा PDF। तो देखिए, इसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, और ये जो देखिए आपका निकाला गया हुआ है, ये रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है आपका, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है करने का, अप्लाई करने का जो डेट आपका दिया हुआ है इसमें, 13/8/2021 तक ये स्टार्ट हो जाएगा, और 2/9/2021 तक लास्ट डेट है आपका यहाँ पे, 13 अगस्त से लेकर आपका 2 सितंबर तक है ये। और इसमें देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि टेंटेटिव इन्होंने दिया भी है आपका, तो ये जो है 25/9/2021 को आपका टेंटेटिव एग्जाम भी आपका होगा, और कॉल लेटर का डाउनलोड करने का ऑनलाइन टेस्ट का जो रहेगा आपका, तो ये 13/9/2021 के बाद जो है आपका ये आ जाएगा। तो इन्होंने डेट भी इसका दे दिया है एग्जाम जो आपका जब भी होंगे इसके। और नीचे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो देखिए, जो आपका इसमें सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि आपका इसमें असिस्टेंट मैनेजर का आपका इसमें इंजीनियर जो सिविल वालों के लिए है, तो देखिए टोटल इसमें 36 वैकेंसी आपकी है। और जो आपका दूसरा इसमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल वालों का, तो इसमें जो है 10 वैकेंसी आपकी है, और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है सभी का। और एज लिमिट के देखिए बात करते हैं, तो मिनिमम जो है आपका 21 है दोनों के लिए, और 30 आपका इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया हुआ है। और इसमें देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका, तो ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। और जो पोस्टिंग होगी आपका, तो वो एनी वेयर कहीं भी आपको हो सकता है इंडिया में, जहाँ भी SBI के ब्रांचेस होंगे या फिर जो इसके फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में जो एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो पहला आपका इसमें असिस्टेंट मैनेजर सिविल का है, जो कि इसमें आपका है मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए सिविल में, विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर CGPA में आपका है तो 6.75 होने स्केल ऑफ आपका होना चाहिए 10 के केस में, आपका CGPA के टर्म्स में आपका ये दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपका 1/4/2021 तक जो है आपका, सेकेंड में ये भी दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मास्टर डिग्री है आपका सिविल में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये दो रिक्वायरमेंट आपका जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसके बाद देखिए जो एक्सपीरियंस जो इसने मांगा हुआ है आपका, तो एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे आपका जो है होना चाहिए, अब जैसे 1/4/2021 तक 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री के लिए, और जिनका मास्टर डिग्री है तो उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ में जो वर्क एक्सपीरियंस आपका है, तो जो है आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होने के बाद आपकी होनी चाहिए। तो एसेंशियल एक्सपीरियंस देखिए आपका जो है इन क्षेत्र में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इन सभी क्षेत्र में और भी दिया हुआ है, तो अगर आपका इसमें किया हुआ है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे देखिए दूसरा जो इसमें आपका है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर का, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों का है, तो इसमें भी देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका, तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए 60% मार्क्स, और 6.75 स्केल में आपको होना चाहिए जो आपका रहता है 10 के स्केल पे, जो CGPA या फिर जो भी आपका इक्विवेलेंट रहता है। और दूसरा रिक्वायरमेंट इसमें आपका बेसिक क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपका, ये तो मिनिमम आपका है, बेसिक ये भी है कि बैचलर डिग्री जो है आपका या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका है, मास्टर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इसमें भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री के लिए, और 1 साल का जिनके पास मास्टर डिग्री है। वर्क एक्सपीरियंस आपका देखिए कौन कौन से क्षेत्र में आपके होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, इंस्टॉलेशन हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस और पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो इन सभी में आपका होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, तो ये जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपके होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 25/9/2021 को टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया हुआ है। और देखिए जो आपका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, तो सबसे पहले आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, उसके बाद फिर प्रोफेशनल नॉलेज का है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके आएंगे 50 मार्क्स के, और 35 क्वांट के आपके आएंगे 35 मार्क्स के, और उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपका है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और इसमें देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आप लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से आपका आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें 50, मार्क्स रहेंगे आपके इसमें 100। तो ये जो है नंबर इसका इसमें ज़्यादा आपका है, मतलब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स करेंगे आपके, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 50 है टेक्निकल वालों का, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना है यहाँ पे। और इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका,
कि कौन सा पेपर जो है इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है, यानी कि जो टेक्निकल आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पेपर को आपका जो है छोड़ के जो अदर पेपर है आपका, जैसे कि क्वांटिटी जनरल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का, तो ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई ही करना है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको जो है ये पेपर में लाने होंगे। और इसमें जो मिनिमम जो आपका जैसे कि दिया हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका, तो ये जो है डिसाइड किया जाएगा आपका यहाँ पे, और बैंक के द्वारा ये किया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर आपका देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका रहेगा यहाँ पर आपका, और जो क्वेश्चन में जो रहेंगे आपके तो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, और कट ऑफ मार्क्स जो है आपका ये डिसाइड किया जाएगा और बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फिर इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इन्हीं के कट ऑफ के मार्क के बेसिस पे। तो इसमें क्वालिफाइंग सिर्फ आपका है एप्टीट्यूड का, और प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे जो आपका ये मेरिट डिसाइड किया जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए वेटेज भी यहाँ पर आपका है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा, तो आपका जो टेस्ट है प्रोफेशनल नॉलेज का जो कि 100 मार्क्स का आपका है इसको लेके, और साथ में जो इंटरव्यू आपका है जो कि 25 मार्क्स का होगा, इन दोनों को मिला के आपके होंगे। तो जिसमें कि वेटेज जो देखिए दिया गया आपका यहाँ पे जो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों वालों के लिए है, तो रिटन टेस्ट में आपका 70% रहेगा और इंटरव्यू के लिए 30% का रहेगा आपका वेटेज। तो ज़्यादा आपका वेटेज जो है इसमें रिटन टेस्ट का है आपका यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ कॉल लेटर डाउनलोड करने का, तो ये सारा जो है आपको बता दिया जाएगा जब भी ऑनलाइन आप आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन डेट इन्होंने ऑलरेडी आपका डिसाइड कर दिया है। तो आपको जो है ये ऑनलाइन ही फॉर्म को अप्लाई करना है, और जो भी इसमें अपलोड करने को डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दे दिया है। तो और भी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।